मैंने प्रेम रतन धन पायो पायो जी मैंने। ए, ट्रेलर का रिव्यू दो ना भाई। सॉरी सर, मैंने अभी ट्रेलर देखा प्रेम रतन धन पायो का। पहले तो ना लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रेम रतन धन पायो का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि प्यार का खजाना मिल गया। और लोग वेट क्या करते हैं ट्रेलर में? सलमान खान की एंट्री, सलमान खान की एंट्री का वेट करते हैं। और सलमान खान की एंट्री होती है प्रेम इज बैक। प्रेम के आते ही थिएटर में तो सीटियां बजनी ही है, लेकिन मेरे को तो ट्रेलर देख के सीटी बजाने का हुआ। क्या ट्रेलर था! और सूरज भड़जाते, आहा, सूरज भड़जाते का सेट, उनकी दुनिया ही अलग होती है। और इस बार पक्का, इस बार दिवाली पे बड़ा बम फूटने वाला है। और सलमान का वो ब्लू कुर्ता, आए हाय क्या लग रहा है उसमें सलमान यार, क्या लग रहा है। मतलब उसके फैन वो कुर्ता खरीदेंगे, जैसे पहले पैंडल्स खरीदे अब कुर्ता खरीदेंगे। सलमान की बात ही अलग है यार। और थोड़ी देर में होती है सोनम कपूर की एंट्री, आए हाय वो नटखटपन और उसका डांस। इसमें सोनम का डांस देखना और उसका स्टाइल, उसका स्टाइल बिल्कुल अलग है, इसमें बिल्कुल अलग स्टाइल है ट्रेडिशनल में। इस बार सोनम कपूर, इस बार मज़ा आने वाला है। और सावरिया का जो सीन खत्म हुआ था वो प्रेम रतन धन पायो में स्टार्ट होगा। और नील नितिन मुकेश, क्या किलर लुक है बंदे का। कुछ नहीं बस उसने एक लुक दिया और उसे पता चल गया कि उसकी एक्टिंग कितनी पावरफुल है। आप सबको लग रहा होगा कि मैं कितनी तारीफें कर रहा हूँ सबकी, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज भड़जात्या की मूवी कितने टाइम बाद आई है, और उनकी मूवी किसी को गंदी लगती है क्या? हम आपके कौन, हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, और सब में सबसे खास चीज़ क्या? प्रेम। एक बात तो माननी पड़ी, सूरज भड़जात्या में ना दिमाग बहुत है। लोग एक सलमान से 200 करोड़ बनाते हैं, ये दो सलमान से 400 बनाएंगे। इस मूवी में हिमेश रेशमिया का म्यूजिक है। ये फ्लेवर बहुत टाइम से गायब हो गया था, लेकिन अब आया है। जो मज़ा हमको हम आपके हैं कौन में आया था, मैंने प्यार किया में आया था, अब हिमेश ने इसमें अलग फ्लेवर दिया है। और इस म्यूजिक की बात ही अलग है, और इसमें लिरिक्स इरशाद कामिल ने दिए। उनके अल्फाजों की क्या बात करें, देखो उनकी बात करते ही मेरे मुंह में अल्फाज आ गए। ड्रामा, गाना, सस्पेंस है, पूरी भरपूर फैमिली इंटरटेनमेंट मूवी है ये। ये दिवाली का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मुझे तो लगता है ये सिर्फ टीजर है। सूरज भड़जात्या ने हमें 2 मिनट में इतना एक्साइटेड कर दिया है कि ये मूवी मैं तो देखने वाला हूँ। क्या आप एक्साइटेड हो? देखते रहिए ट्रेलर रिव्यू बाय हिमांक कलाल और moviesadda.com, a सिनेमा मार्केट्स कंपनी।